हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा यानी कि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकलने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में। सो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ। ये रिक्रूटमेंट बेसिकली एक अप्रेंटिसशिप है, परमानेंट जॉब नहीं, एक साल के लिए अप्रेंटिसशिप है। तो जो लोग इंटरेस्टेड वो कर सकते हैं और जिनके घर के आसपास एरिया में होगा वो लोग कर सकते हैं। अब बात कर लें, यहाँ पर आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिस भी है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस भी है। तो ग्रेजुएट में दो टाइप का है, एक आपका बीटेक के लिए है और एक आपका जो नॉर्मल आपका बीएससी होता है उसके लिए, बीसीए ये सब के लिए भी है। और एक आपका यहाँ पे डिप्लोमा अप्रेंटिस है जो कि आपका टेक्नीशियन के लिए है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं आपका बीटेक से। तो बीटेक यहाँ पे देख सकते हैं, मैकेनिकल में 4 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल में सिंगल वैकेंसी, सिविल में सिंगल वैकेंसी। स्टाइपेंड आपको 9000 रहेगा आपका बीटेक का। नेक्स्ट बात कर लें यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो आपका जनरल स्ट्रीम्स होते हैं, तो उसमें आपका बैचलर ऑफ साइंस में यहाँ पे 20 वैकेंसी है, बैचलर ऑफ कॉमर्स में 10 वैकेंसी है और बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में 10 वैकेंसी है। यहाँ पर इसका भी स्टाइपेंड आपको 9000 मिलेगा। नेक्स्ट बात के लिए आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस जो कि डिप्लोमा वालों के लिए, तो यहाँ पे मैकेनिकल में 26 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल में 2 वैकेंसी, सिविल में 2 वैकेंसी है और इसका स्टाइपेंड आपको 8000 रुपीज़ रहने वाला है। अब बात कर लें यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सो सेलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है, यहाँ पर आपके मेरिट के बेस पे होगा। जो आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक या फिर आपका जो ग्रेजुएशन था उस समय आपने जितने मार्क्स यहाँ पे एक्वायर किए उसके बेस पे यहाँ पे आपको सिलेक्शन होने वाला है। अब एक चीज़ और यहाँ पर है, आप 2 साल से ज़्यादा पास आउट हुए नहीं होने चाहिए। जिस भी फील्ड से आप फॉर्म भर रहे हैं तो 2 साल से ज़्यादा आप नहीं है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप का रूल होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया है, ओबीसी, यूआर, आपका एससी एसटी में कितनी कितनी वैकेंसीज है, तो अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड अप्लाई करना चाहते तो कैसे अप्लाई करना है, 30/4/2023 लास्ट डेट रखा गया फॉर्म फिलअप करने का। और ये फॉर्म आपको इजी प्रोसेस है, यहाँ पे आपको कोई भी अप्रेंटिसशिप के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन वगैरह अभी नहीं करना है, जब सिलेक्शन होगा उसके बाद आपको करवाया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका फॉर्मेट दिया गया नीचे में, यहाँ पे इस फॉर्मेट में आपको फॉर्म फिलअप कर लेना, अपने सारे डिटेल्स फिल कर लेना है। जिस भी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको आपको टिक कर देना बॉक्स के ऊपर में और ये सारे आपको फील्ड्स फिल कर देने हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। और इसको आपको सेंड करना है यहाँ पर, आपको जो एड्रेस दिया गया उस एड्रेस पर, एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ अभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में एड्रेस दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा, चंद्रपुर, महाराष्ट्र, 442501। तो इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना एनवेलप में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी यहाँ पर आपने फिल किया, एजुकेशनल से, एज वगैरह, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ या फिर कैटेगरी से, सारा आपको यहाँ पे जेरोक्स सबमिट कर देना है, फोटो वगैरह लगा के अपना इसको सबमिट कर देना, डिक्लेरेशन वगैरह साइन करके। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड एलिजिबल तो अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।